तो देश की आन बान और शान रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालिफाई कर दिया गया और इसकी वजह रही वजन। जी हां, उनका वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा निकला जिसकी वजह से उन्हें खेल से बाहर कर दिया गया और उन सारी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा जिसमें हम ये कह रहे थे कि भारत को एक और गोल्ड मिलने जा रहा है। लेकिन ये वजन के नियम कहते क्या हैं, आखिरकार किस वजह से विनेश फोगाट बाहर हुई हैं, इसको इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ओलंपिक में कुश्ती के खिलाड़ियों के वजन को लेकर जो नियम है उसके मुताबिक पहलवानों का मैच से पहले वजन होता है और अगर दो रेसलर दो दिन बाउट लड़ते हैं तो दोनों दिन उनका वजन किया जाता है। जिस दिन बाउट होता है उसी दिन हर पहलवान का सुबह में वजन किया जाता है। सभी भार वर्ग के लिए टूर्नामेंट दो दिन में लड़ा जाता है, इसलिए जो भी पहलवान फाइनल में पहुंचता है उसका दो दिन वजन होता है। पहले वेट इन के दौरान पहलवानों के पास वेट बनाने के लिए 30 मिनट का समय होता है और 30 मिनट में कई बार वजन किया जा सकता है। वहीं दूसरे दिन वेट इन सिर्फ 15 मिनट का ही होता है। वजन करने के बाद खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है और ये देखा जाता है कि उनके नाखून कटे हुए हैं या फिर नहीं। वजन मापने के दौरान कुश्ती पहलवान को सिर्फ सिंगलेट पहनने की इजाजत होती है। फ्री स्टाइल रेसलिंग में कई वेट कैटेगरी होती हैं। महिलाओं में 50, 53, 57, 62, 68 और 76 किलो की कैटेगरी होती है, जबकि पुरुषों की 57, 65, 74, 86, 97 और 125 किलोग्राम की कैटेगरी होती है जिसमें वो रेसलिंग करते हैं। वहीं UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के मुताबिक अगर कोई एथलीट वजन मापने में भाग नहीं लेता या फिर असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना रैंक के अंतिम स्थान पर रख दिया जाता है, जैसा कि विनेश फोगाट के साथ हुआ। नियमों के मुताबिक पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग में अब सिर्फ ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल ही दिया जाएगा। विनेश फोगाट के बाहर होने के चलते सिल्वर मेडल नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि पेरिस ओलंपिक के महिलाओं के 50 किलो इवेंट में विनेश फोगाट ने दंगल की धुआंधार शुरुआत की थी। उन्होंने अपने पहले ही मैच में ओलंपिक की डिफेंडिंग चैंपियन को धूल चटा दी थी। इसके बाद क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जबरदस्त दांव लगाते हुए फाइनल का सफर तय किया था, लेकिन अब जिस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन्हें पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है उसे उनकी जीत में भी हार के तौर पर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।